दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, यानी पहले से ही जो मोबाइल नंबर लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट में उसको चेंज करके आप एक नए मोबाइल नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसका कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों SBI अकाउंट में मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अपने मोबाइल से गूगल ब्राउज़र को इस तरह ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे आपको सर्च करना है SBI लॉगिन। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद सबसे पहले वाले जो लिंक आएगा आपको सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आप कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है उस यूज़र नेम को यहाँ पे आपको एंटर करना है, नीचे आपको पासवर्ड एंटर करना है, इसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल करना है एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। तो यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको कैसे क्रिएट करना है इसके लिए ऑलरेडी मैंने चैनल पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम यूजर नेम को एंटर करेंगे, नीचे पासवर्ड फिल करेंगे, इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे फिल कर दिए हैं और सारे फिल करने के बाद आपको सिंपली लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, तो हमारे पास OTP आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने OTP एंटर कर दी है और OTP एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप SBI नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको 3 लाइन दिखाई देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिंपली उस 3 लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे माई अकाउंट एंड प्रोफाइल, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे प्रोफाइल, आपको सिंपली प्रोफाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे माय प्रोफाइल के ऑप्शंस में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप माय प्रोफाइल के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है। तो प्रोफाइल पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा, प्रोफाइल पासवर्ड आप जैसे नेट बैंकिंग को रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको प्रोफाइल पासवर्ड बनाना होता है। ठीक है, और उसी प्रोफाइल पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो हमारे पास प्रोफाइल पासवर्ड है, हम इसको जस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो मैंने प्रोफाइल पासवर्ड एंटर कर दी है और प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करने के बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है, एकदम लास्ट में आएंगे और नीचे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला वाला ऑप्शन जो है वो चेंज मोबाइल नंबर टू ब्रांच, यानी आप ब्रांच के थ्रू अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ओनली, यानी आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो हम नेट बैंकिंग के थ्रू चेंज करने वाले हैं, तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे सेकंड वाले जो ऑप्शन है चेंज मोबाइल नंबर डोमेस्टिक ओनली, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको न्यू मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना न्यू मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो हम यहाँ पे हमारा जो नया मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे उसी मोबाइल नंबर को हम दोबारा फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद सिंपली क्या करना है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा, यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है आपने जो नया मोबाइल नंबर एंटर किए हैं वो सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको ओके के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज जो है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे सेट द मोड टू अपडेट द मोबाइल नंबर और नीचे यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग रिक्वेस्ट अप्रूवल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, यानी आप अगर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपने मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करके जैसे ही सबमिट करेंगे आपका जो मोबाइल नंबर है वो तुरंत लिंक हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रोसीड नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी अपडेटेड है, इसको हम चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है,
तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड पर क्लिक करके बाकी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा कर लेना है और इसके बाद आपका जो नया मोबाइल नंबर है वो तुरंत अपडेट हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।